नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। तीसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का और तीसरा ट्रेडिंग सेशन सुस्त दिख रहा है आपको, और ये चीज मैंने वीकेंड पे संडे को ही आपसे कह दी थी कि आपका कोई डेटा काम नहीं करेगा, कोई लेवल्स काम नहीं करेंगे, कोई पोजिशनिंग नहीं होगी, और एग्जैक्टली वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। सबको सिर्फ एक ही चीज का इंतजार है, फेड का। अब इतने बड़े इवेंट से पहले कोई लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने के लिए तैयार नहीं है, कोई शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने के लिए भी तैयार नहीं है। अब इवेंट को प्ले किया जाए तो कैसे किया जाए, और इवेंट में एक्चुअली में क्या हो सकता है, इसी को सिर्फ आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ मार्केट की अपडेट भी शेयर करूंगा। सबसे पहले अपडेट, निफ्टी फ्लैट दिख रहा है, नेगेटिव है बट फ्लैट ही कह सकते हो, केवल 3 पॉइंट नीचे है। सेंसेक्स भी फ्लैट है, केवल 10 पॉइंट नीचे है। बैंक निफ्टी में 0.5% का मूव है और ये होना भी चाहिए, रेट कट की तरफ जा रहे हो आप। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव है और स्मॉल कैप इंडेक्स में फ्लैट टू पॉजिटिविटी है। मार्केट ब्रेथ 1:1 है। 1123 स्टॉक्स ऐसे हैं जो हरे निशान में है एनएससी पे, और 1140 ऐसे हैं जो लाल निशान में है एनएससी पे। सेक्टर स्पेसिफिक सब कुछ मिला जुला है, शांति भरा कारोबार है, लेकिन निफ्टी आईटी इंडेक्स आज पौने 3% निफ्टी आईटी इंडेक्स क्रैश हो गया दोस्तों। आज आईटी इंडेक्स में भारी पिटाई है, क्या टूट रहा है एक बार चेक करते हैं। विप्रो 3.5% नीचे, टेक महिंद्रा 3%, टीसीएस 2.5%, परसिस्टेंट 3.5%, एम्फेसिस 5%। कोई न्यूज, कोई अपडेट कुछ है तो प्लीज आप भी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, बताना। अगली वीडियो में मैं आप सभी के साथ ये डेफिनेटली चीजें शेयर करूंगा, क्योंकि नेस्डेक आई थिंक नॉर्मल बंद हुआ है। नेस्डेक तो हरे निशान में बंद हुआ है। इनफैक्ट आज भारत के बाजार में ही आईटी इंडेक्स टूटता हुआ दिख रहा है, वो भी काफी हैवीली। नेस्डेक तो कल फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुआ है, तो क्यों टूट रहा है सभी कंसर्न है। तो 3% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आई थिंक यही आज निफ्टी में भी प्रेशर बनाने की कोशिश में है, मेरे को लगता है। आज आप देखें तो टॉप ड्रैगर्स की बात करूं अगर मैं, तो इन्फोसिस 50 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूट कर रहा है, टीसीएस 31 पॉइंट का, एससीएल टेक 10 पॉइंट। यानी आईटी के 5 के 5 टॉप कंट्रीब्यूटर निफ्टी में, 5 के 5 आईटी के हैं। अगर मैं इन 3 की बात करूं, इन्फोसिस, टीसीएस और एससीएल टेक, तो लगभग 90 पॉइंट तो निफ्टी को यही नीचे की तरफ ड्रैग कर रहे हैं। बड़ी गिरावट इनकी तरफ से आज आते हुए दिख रही है, और निफ्टी में आईटी का वेटेज भी काफी स्ट्रांग है। एक निफ्टी की बात करें तो 18 शेयर ऐसे हैं जो टॉप गिर रहे हैं, और टॉप लूजर है टेक महिंद्रा। 32 ऐसे हैं जो पॉजिटिव है निफ्टी में। टॉप गेनर है ऑटो इंडस्ट्रीज से हीरो मोटोकॉर्प, बजाज फाइनेंस फॉलो कर रहा है, देन श्रीराम फाइनेंस, एसबीआई लाइफ, एमएनएम, कोल इंडिया। ये स्टॉक है जो आपके लिए मार्केट को ऊपर की तरफ खींचने का काम करते हुए दिख रहे हैं। आगे बात करें कि फेड की पॉलिसी में क्या होगा, उससे पहले एक बार एफआईडीआई का डेटा सुनो। कुछ करने के मूड में ही नहीं है ये, कुछ करने के। 2 बजे के बाद में भी पोजीशन बनाई जा सकती है। मैं सिर्फ अपने व्यूअर से इतना कहूंगा, पहले तो अगर आप ट्रेडर हैं तो भैया आपको ज्यादा पता होगा मेरे से, लेकिन मैं फिर भी अपने हिसाब से ये बोलूंगा कि आप ऑप्शन सेलिंग मत करना इतने बड़े इवेंट से पहले। आपको अच्छे से पता होगा बहुत बड़ी वॉलिटिलिटी आ, 4 साल बाद रेट कट हो रहा है, ये मत सोचिए। आप रेट कट को लेकर इतना कंफ्यूजन है, अदरवाइज ये जो पॉलिसीज होती है ना, इनमें सिर्फ कमेंट्री में कंफ्यूजन होता है, कभी भी इंटरेस्ट रेट हाइक और कट में कंफ्यूजन या पॉज में कंफ्यूजन नहीं होता। पूरा मार्केट एक डायरेक्शन मूव में बात करता है कि इतने बेसिस पॉइंट का कट होगा या हाइक होगा या पॉज रहेगी पॉलिसी। यहां इतना कंफ्यूजन है, मैंने बहुत सारी आपके साथ अपडेट शेयर करी है आरबीआई की पॉलिसी से लेकर फेड पॉलिसी तक, रेट पॉज, रेट हाइक और रेट कट की, लेकिन इतना कंफ्यूजन मैंने किसी पॉलिसी में नहीं देखा। 25 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट का, अभी तक हम ये कह रहे थे कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट बाजार पॉजिटिव लेगा, 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट मार्केट नेगेटिव लेगा, लेकिन अमेरिका के मार्केट में 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा इसको सोचते हुए पोजीशन लॉन्ग करी गई है। अब अगर 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आया तो वो सारी की सारी पोजीशन नुकसान में चली जाएंगी और फिर मार्केट में बड़ी गिरावट हो सकती है। इन केस अगर अमेरिका में 50 बेसिस पॉइंट रेट कट हो गया तो जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन करी है वो प्रॉफिट बुक कर देंगे, तो भी मार्केट नीचे आ जाएगा। बस ये कि एक तरफ आएगा प्रॉफिट बुकिंग से और एक तरफ आएगा मंदी से, गिरावट से, समझ रहे हो बात को। सबसे अच्छा ट्रेड जो बनेगा वो मैं आपके साथ अगर मैं शेयर करूं तो मैंने नॉर्मली एक्सपीरियंस किया है कि भैया मार्केट में जब भी कोई बहुत बड़ा इवेंट होता है तो जो भी रिएक्ट करता है वो 48 घंटे में बिल्कुल रिटर्न हो जाता है, उल्टा पड़ जाता है। तो आज आप कुछ मत करो, कल आप मार्केट को देख लो, नीचे जा रहा है जाने दो, कॉन्ट्रा प्ले कर देना एट द एंड, सिंपल है। 2 दिन के व्यू के हिसाब से अगर बड़ा व्यू आ जाए, बड़ा फॉल या बड़ी गेन आ जाए, तो उल्टा कॉन्ट्रा प्ले कर देना।
एक दिन कुछ मत करो, आप पूरा इवेंट निकलने दो, उसके बाद आप पोजीशन क्रिएट करना अगर आपको करनी ही है तो। कसम खा ली है कि मैं तो करके ही रहूंगा। तो मार्केट कुछ करने के मूड में नहीं है, आईटी नीचे धकेलने की कोशिश कर रहा है और बाकी बाजार ठीक ठाक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। टॉप गेनर में एक बार फिर भैया ये शेयर बाजार वाले स्टॉक नहीं रुकने का नाम ले रहे हैं, जिसपे हम सुपर बुलिश हैं। बीएसई 4000 की तरफ एग्रेसिवली बढ़ता हुआ 12.5% ऊपर। एल्काइल अमाइन में भी आज 8% की तेजी है। HSCL में अच्छी मूव है, पेटीएम में अच्छा मूव है। टॉप लूजर में एम्फेसिस है। कल का ब्लू डार्ट सुपर स्टार जो था 12% के करीब भागा था, आज 4% नीचे है। OFSS में गिरावट है, परसिस्टेंट सिस्टम भी नीचे है। JM फाइनेंशियल्स में नीचे की मूव देखने को मिल रही है। मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स में आज आपका BSC, CDSL, HDFC बैंक है। देखो रेट कट से पहले HDFC बैंक फोकस में आ रहा है, 2000 की तरफ जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं सेफ्टी प्लस रिटर्न चाहिए तो HDFC बैंक की तरफ जरूर फोकस करो इस समय, 1688 पे ट्रेड कर रहा है अभी करंटली। तो ये सारे के सारे स्टॉक हैं जो आपके लिए टॉप एक्शन में देखने को मिल रहे हैं। और भी बहुत कुछ है कवर करने के लिए, दिन के दौरान वाली वीडियोस में कवर करेंगे। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।